नमस्कार। आइए देखिए और सीखें सही मशीन और सही काम की पहचान। आप लोग खुद अपना ही चैनल के द्वारा आप लोग सीख सकते हैं। देखिए देखिए अभी हम लोग आपके लिए ऐसे एपिसोड हम तजुर्बे के साथ आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि आप लोग खुद अपने ही हाथों से अपना मशीन घर के अंदर सही कर सकें। देखिए देखिए अभी मैं दिखाता हूँ कि इस मशीन के अंदर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है। आप लोग को खुद अभी दिखाते हैं कि मशीन आके आगे घूमता है लेकिन कपड़ा इसका पीछे को जाता है और दांत की पटरी में इसका प्रॉब्लम आ जाता है। अभी देखिए ये मशीन आगे घूम रहा है लेकिन कपड़ा इसका पीछे घूम रहा है। खुद अपने ही आँखों से देखिए। कोई आदमी हम लोग को टेलीफोन करके बताता है कि भाई मशीन आगे घूमता है और ये जो मशीन का ये जो छोटा बड़ा करने का वो तो सही जगह में है लेकिन मशीन आगे घूमता है लेकिन कपड़ा पीछे को जाता है। ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है दिखाओ करके हमको टेलीफोन करके बताते हैं। इसीलिए सबसे पहले इस मशीन को आप लोग कपड़ा बाहर को निकालिए। बाद में अभी ये जो प्लेट है इसको एक स्क्रूड्राइवर के माध्यम से आप लोग पहले ओपन कीजिए। अगर आप लोग अंदर गौर से देखिए कि ये जो इधर तो एक स्क्रू लगाया हुआ है, ये जो चिमटा है और ये जो मेन शाफ्ट है, अभी इधर तो आप लोगों को एक स्क्रू लगाया हुआ है और ये जो यू जैसा ये मेन शाफ्ट का जो पार्ट है ये ऊपर है। मैं अच्छा सा दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान लगा के देखिए अपना चैनल के अंदर। ये जो यू है के आप लोगों को ऊपर तरफ है और ये जो स्क्रू है ये आके साइड में, ये स्क्रू इधर आके खड़ा हुआ है। सबसे पहले ये थोड़ा सा इसको स्क्रू को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में इसको थोड़ा सा अंगली लगा के इसको इधर ही रुका के और ये जो मेन शाफ्ट का यू है इसको नीचे तरफ कर देने का। अभी तो ये जो यू मेन शाफ्ट का जो ये डाउन पार्ट है ये नीचे तरफ चले गया और ये बराबर से इसका ये जो एडजस्टमेंट चुमटे का ये जो स्क्रू है ये ऊपर को आ गया। ये तो डाउन हो गया, ये तो बराबर जगह में आ गया। पहले ये यू ऊपर था, स्क्रू ये जो स्क्रू है वो आके उसके साथ में था, अभी ये डाउन हो गया। ये इसको बराबर रख के इसको थोड़ा सा शेक, हल्का सा शेक रख के इसको थोड़ा सा हिटा के इसको फिर वापस आप लोग फिट कर देने का। ऐसा थोड़ा बहुत इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा धक्का दे के। अभी देखिए ये तो डाउन में है, स्क्रू ये जगह में है, आप लोग इसको फिर वापस टाइट कर दीजिए। टाइट हो गया। अभी इधर देखिए, अभी देखिए अभी तो अंदर तो हम सही कर दिया। अभी दिखाते हैं कि कपड़ा आगे कैसा सही खींचता है क्या नहीं। देखिए अभी तो मशीन आगे चल रहा है और कपड़ा भी आगे चल रहा है। दांत की पटरी के अंदर अक्सर बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। आप लोगों को मैं इसी एपिसोड के अंदर पूरा मैं दिखाना चाहता हूं। अभी तो आगे जाने का तो सही हो गया, मशीन के अंदर और भी प्रॉब्लम आ जाता है। अगर जो दांत का पट्टी जो दांत की पटरी है ये ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो भी कपड़ा सही नहीं आगे जाता है और कपड़ा इधर इधर ही डांस करना चालू कर देता है। इसीलिए आप लोग दांत का पटरी कभी भी एडजस्टमेंट करना चाहेंगे तो ये स्क्रू ओपन करके इधर जो लगा है इसको दांत का पटरी को नीचे और ऊपर चढ़ा सकते हैं। जितना ऊपर भी नहीं रखने का दांत का पटरी, एकदम हल्का सा इधर तो देखिए इसको ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखने का, थोड़ा सा रखेंगे तो आपका कपड़ा फिर वापस सही तरीके से मशीन को आपका कपड़ा चलाएगा।
और एक भी मैं दांत के पटरी के लिए और एक प्रॉब्लम बताता हूँ। कभी कभी आप लोग क्या करने का, कभी कभी एक हफ्ते में या एक महीने में एक टाइम, कभी भी ये जो दांत का पटरी का ये जो निडिल प्लेट है, निडिल प्लेट ओपन करने का, और इधर जो डस्ट रहता है इसको कोई टूथपेस्ट का पुराना ब्रश रहेगा तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा साफ़ करने का, और इधर जो स्क्रू लगाया हुआ है इसको भी थोड़ा चेक कर लेने का। कभी कभी मशीन का ये स्क्रू भी कभी कभी लूज़ हो जाता है तो मशीन के अंदर इसका प्रॉब्लम भी आ जाता है। फिर जब भी ये जो सफाई ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारे को एक महीने में या डेढ़ महीने में इसके अंदर का जितना भी कचरा है उसको कभी कभी साफ करने का, और इधर प्लेट भी थोड़ा सा चेक करने का। इधर सही नहीं रहेगा तो वो जो एमरी पेपर आता है उसके माध्यम से इसको थोड़ा सा नाइस कर देने का। आप लोगों को हमारे चैनल के अंदर हम लोग जितना भी अभी एपिसोड एडिटिंग किया हुआ है, हर एपिसोड के अंदर कुछ न कुछ हम लोग तजुर्बे के साथ आप लोगों को सही तरीके से मशीन काम करने का हम लोग सिखाना चाहते हैं। आप लोग पूरा एपिसोड अंत तक देखिए, आप लोगों को हर मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हारे को अच्छा सा समझ में आ जाएगा। मैं अभी तक जितना भी एपिसोड किया हुआ है हर एपिसोड के अंदर आप लोगों के कमेंट के वजह से ही हम लोग एपिसोड बनाते हैं। इसीलिए हर आदमी अपने को टेलीफोन करके बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप लोग एपिसोड बताइए और हल्का सा आप लोग ये स्वयं इसको डाउन करके देखने का। अगरचे सेंटर नहीं रहेगा तो ये जो स्क्रूड्राइवर के हिसाब से इसको थोड़ा राइट या लेफ्ट में भी इसको टर्न कर सकते हैं और सेंटर कर सकते हैं, वो भी मैं इस एपिसोड के अंदर दिखाता हूँ। आप लोगों को मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो अपना कमेंट्स के द्वारा आप लोग कमेंट्स कीजिए और हम लोग और भी अच्छे से एपिसोड आप लोगों को फास्ट फास्ट हम लोग अभी एडिटिंग करके डालने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग आपके कमेंट्स के लिए हम इंतज़ार करते हैं। नमस्कार।